सलमान खान और कैटरीना कैफ भले ही एक साथ कई फिल्मों में नजर आए हों, लेकिन प्यार के मामले में दोनों हमेशा चुप रहे हैं। सलमान का कैटरीना के प्रति हमेशा झुकाव रहा है। जब कैटरीना रणबीर कपूर को डेटिंग करती रही, रणबीर से अलग होने के बाद अब कैटरीना एक बार फिर सलमान के नजदीक आ रही हैं। सूत्रों की माने तो पिछले कुछ समय से दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ रही हैं और मौके पर चौका मारते हुए कैटरीना ने सलमान से एक वादा ले लिया है। खबर है कि फिल्म टाइगर जिंदा है के सेट पर सलमान और कैटरीना एक दूसरे के साथ काफी समय बिताते नजर आते हैं। दोनों अब एक बार फिर एक दूसरे के साथ बात करते दिखाई दे रहे हैं। दोनों के बीच गहरी दोस्ती नजर आ रही है। सूत्रों की माने तो कैटरीना ने सलमान से अपने लिए कुछ मांगा है और सलमान उसे देने के लिए राजी हो गए हैं। आपको बता दें कि कैटरीना ने एक इंटरव्यू में बताया है कि उन्होंने खुद सलमान खान से अपनी दोनों बहनों इजाबेल और सोनिया को बॉलीवुड फिल्मों में ऑफर दिलाने की गुजारिश की है और सलमान ने उनसे वादा किया है कि वो पूरी कोशिश करेंगे। वैसे कैटरीना ने सही मौके पर सलमान से अपनी बहनों के लिए बात की है। वेलेंटाइन के मौके पर सलमान भी अपनी एक्स गर्ल फ्रेंड को कैसे मना कर सकते थे। आपको बता दें कि सलमान खान हमेशा ही कैटरीना के प्रति कमजोर रहे हैं और ऐसे में सलमान उनकी बात जरूर मानेंगे। वैसे देखा जाए तो किसी भी नए लॉन्च के लिए सलमान खान बॉलीवुड में गॉड फादर साबित होते हैं। सलमान ने अब तक कई नए लोगों को फिल्मों में काम करने का मौका दिया है। अब देखना यह होगा कि सलमान अपने प्यार के लिए क्या कर पाते हैं।